इंटरव्यू में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने लश्करे तैयबा के चीफ हाफिज सईद को आतंकी मानने से इनकार कर दिया है। मुशर्रफ ने हाफिज सईद पर यह बयान पाकिस्तान की राजनीति में कमबैक से पहले दिया है। हाफिज सईद फिलहाल घर में नजरबंद है। मुशर्रफ ने इस इंटरव्यू की जी न्यूज ने गहराई से पड़ताल की। मुशर्रफ के इस इंटरव्यू से जाहिर हो रहा है कि वो राजनीति में आने के लिए भारत विरोधी रुख कायम रखना चाहते हैं। उनकी बातों से ये जाहिर है कि कश्मीर पर आज भी उनकी नीयत जो है वो बिगड़ी हुई है। और इस इंटरव्यू की बड़ी बातों के साथ आपको अभी ये रिपोर्ट देखना और समझना बेहद जरूरी है। जहां कश्मीरियों का खून गिरता है इंशाल्लाह हमारा वहां बुरहान की शहादत, बहुत सारे माशाल्लाह कोई एक दो नहीं शहादतों की लाइनें लगी हुई हैं। मुझे तो उम्मीद है कि इन शहादतों के बाद कश्मीर में जिहाद इंशाल्लाह झूम के उठने वाला है इंशाल्लाह। कश्मीर में आग लगाने समेत भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाला लश्कर ए तैयबा चीफ हाफिज सईद यूं तो लाहौर में घर में नजरबंद है, लेकिन पाकिस्तान हाफिज सईद को बचाने का गेम प्लान तैयार करने में जुट गया है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि हाफिज को पाकिस्तान में लोग आतंकवादी नहीं मानते। That this Hafiz Saeed issue is an issue in India, all right, not in United States. I've been to United States. I've met very important people. They probably don't talk about it all the time, but he's on a list. They talk about, maybe they talk about Haqqani. They will talk about Afridi, the person who's in jail because of his links with in the Osama bin Laden case. They don't talk about Hafiz Saeed. It's India which keeps talking about India has to, because he is behind 2611. No, I don't think so. I don't think so. I don't think we, in Pakistan we don't call him a terrorist. What do you say to those who say that? मुशर्रफ का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब पाकिस्तान की सरकार ने लाहौर हाई कोर्ट में दिए हलफनामे में हाफिज सईद को आतंकवादी माना है। खुद को नजरबंद किए जाने की चुनौती देने वाले हाफिज सईद की याचिका के जवाब में पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि सरकार मानती है कि हाफिज के संगठन जमात उद दावा और फलाह ए इंसानियत फाउंडेशन ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को दिए गए पाकिस्तान के शांति और सुरक्षा के भरोसे के लिए हानिकारक है। लेकिन हाफिज पर पाकिस्तान सरकार के इस कबूलनामे के उलट पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ हाफिज की तरफदारी करते दिखे। There are tapes, sir, I would like to, I can't, of these people, first Hafiz Saeed and now his son, openly professing violence against India. How can it not be an issue for India? No, they believe in supporting Kashmir, in Kashmir, freedom struggle in Kashmir. That they support. I don't think they are talking of violence inside India. They talk about war. They talk about going after India. Well, I don't know. I wouldn't be able to comment. भारत और अमेरिका के दबाव में हाफिज सईद और उसके चार साथियों को 30 जनवरी को नजरबंद किया गया था। एक और मुशर्रफ पाकिस्तानी कोर्ट में चल रही कार्रवाई के बीच हाफिज सईद के पक्ष में माहौल बनाते दिख रहे हैं, तो दूसरी ओर जानकारों का मानना है कि हाफिज को कोर्ट में आतंकी कबूल करना भी पाकिस्तान की एक चाल ही है। भारत के खिलाफ जो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है उसके बारे में कुछ नहीं कहा। 26/11 के आतंकी हमले में उसका किस प्रकार हिस्सा था उसके बारे में हलफनामा में कुछ नहीं कहा। इसका मतलब है कि दुनिया को पाकिस्तान अब बोल सकता है कि हम क्या करें, हमने तो उसको टेररिस्ट एक्ट के मुताबिक हमने उसको हाउस अरेस्ट किया था, डिटेन किया था, लेकिन हमारी यहाँ की कोर्ट स्वतंत्र है और कोर्ट ने उसकी रिहाई की, तो हम क्या करें। ये पाकिस्तान की एक डबल स्टैंडर्ड नई चाल है। 2008 के 26/11 हमले के बाद भी हाफिज सईद को पाकिस्तान के घर में नजरबंद किया गया था, लेकिन इसी तरह का माहौल बनाकर और केस को कमजोर कर उसे 2009 में पाकिस्तानी कोर्ट से छुड़वा लिया गया। एक बार फिर पाकिस्तान में वही कोशिश होती दिख रही है
मुशर्रफ का हाफिज सईद के समर्थन में बयान इसलिए भी अहमियत रखता है क्योंकि मुशर्रफ अगले साल होने वाले पाकिस्तान के आम चुनाव से दोबारा वहां की राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे रक्षा विशेषज्ञों ने परवेज मुशर्रफ के बयान को झूठा बताया है। कमर आगा ने कहा है कि परवेज मुशर्रफ हाफिज सईद की मदद ले रहे हैं, इसीलिए उसे आतंकी कहने से वो बच रहे हैं। ये कहना कि उसका कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ये सरासर गलत है। और एक बार नहीं, कई बार लोगों ने माना है कि हाफिज सईद ही 26/11 के पीछे था, और भारत ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबने इस बात को मान लिया और ये बात उठती रहती है हमेशा कि हाफिज सईद ही उसके पीछे था। और एक जमाने में ये खुद आतंकवाद के खिलाफ बात करते थे, अब ये आतंकवादियों को अपने को प्रोटेक्शन करने के लिए, अपने को बचाने के लिए अब ये आतंकवादी हाफिज सईद की मदद ले रहे हैं, क्योंकि लाल मस्जिद के में जो लोग इन्वॉल्व थे वो इनके खिलाफ हो गए हैं और इनके ऊपर दो बार अटेम्प्ट भी हुआ इनकी लाइफ पे, तो तब से ये हाफिज सईद के थ्रू उन लोगों को विन ओवर करना चाहते हैं।